जिंदा जलाने की कोशिश। नरसिंहपुर में एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश कर डाली। नरसिंहपुर के साईखेड़ा के पास सिरसिरी गांव के मनोहर राजपूत को उसके ही चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलकर जिंदा जलाने की कोशिश कर डाली। मनोहर की माने तो दोनों पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से 70 डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्ष गाडरवाड़ा कोर्ट में भी केस लड़ रहे थे, जिसके चलते दोनों में कई बार गाली गलौज भी होती रहती थी। पर कल रात मनोहर के चाचा दया शंकर अपने भाई हनुमत और भतीजों के साथ लेकर मनोहर राजपूत के घर पहुंचा और मारपीट कर उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। इस घटना में मनोहर बुरी तरह से जल गया, जिसे बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आरोपी मौके से फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। खेती को झगड़ो होगा जी, खेती कैसे है? अरे साहब, कौन ने जला दो फिर आपे? अरे भैया दया शंकर ने क्या डाल दिया था? अरे मैं ट्रैक्टर में से तेल निकाल के डाल दो, डी जल रहे भैया। झगड़ा हुआ था किसके साथ? दया शंकर के पूरे परिवार के संग। हाँ, पूरा परिवार साहब। हाँ, फिर क्या हुआ? दया शंकर ने साहब जी इनका आग लगाई। कहाँ पे की कहाँ की घटना है? खेत पे है जी, हमारा खेत तो ठीक है। घटना है, किस बात को लेके विवाद था? जो साहब जमीन वाला था, जमीनी विवाद जी। पाया कि ये लगभग 60-70% बर्न है जी, जो कि गंभीर है।